हेलो, नमस्ते। मेरा नाम मोहित है और मैं M6 कमोडिटी में ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे ट्रेड करते हुए 5 साल हो गए। मैं 2014 में जब मैंने 12th कंप्लीट की थी तो मैं ट्रेडिंग के फील्ड में आया था। मई का ही महीना था और मुझे 5 साल पूरे हो गए इस मार्केट में। तो जो शुरू के 2 साल थे वो मैंने यूं ही बेसिक नॉलेज लेने में, लाइक तुक्केबाजी करने में, रैंडमली कहीं से भी ट्रेड कर लेने में, मूवमेंट देख के ट्रेड करने में और गेस करके ट्रेड लेने में, हैवी लॉट ट्रेड करना वगैरह वगैरह, उल्टी सीधी चीजों को लेके, मतलब स्टूपिड चीजों का एक्सपीरियंस लेने में मैंने पहले के 1.5 साल के ऑलमोस्ट इसी तरह से गवाए थे। ठीक है, और आज जो है मुझे ट्रेड करते हुए 5 साल हो गए हैं। और जो लोग मुझे 2017 से जानते हैं उनको पता है कि मैंने क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में कितनी बार, मतलब अनगिनत टाइम मैंने यूट्यूब पे लाइव आ जाता था और मैं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में बता देता था 5 मिनट पहले आके कि भाई क्रूड बाय करो या सेल करो विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मैं सब चीज पूरी गाइडेंस देता हुआ आया हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब चीज आता है मार्केट के बारे में, मैं ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं मैंने सोचा क्यों ना उन सारी इंफॉर्मेशन का एक सीरीज लाया जाए। ठीक है, और मार्केट से रिलेटेड मुझे जितना कुछ पता है मैं अपने इंफॉर्मेशन को वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आपको भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि ये मुझे मोहित को बताना चाहिए तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वो चीजें। तो आज का जो डेट है वो है 14th अप्रैल, और कल जो 13th अप्रैल था, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस वाली जो टॉपिक है उसका मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा चीज है जिसको आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर नहीं समझाया जा सकता। उसको पार्शियली डिवाइड करके बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग के फील्ड में टेक्निकल एनालिसिस है वो ऐसा पार्ट है जिसको जितनी आराम से, जितना बार एक्सपेरिमेंट करके, जितना बार प्रैक्टिकली देख के, आराम से जितना उसको टाइम देंगे वो उतना बेहतर होता जाएगा। ठीक है, जैसे टेक्निकल, मैंने कल के वीडियो में बताया था टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। मूविंग एवरेज इंक्लूडेड है, चार्ट, कैंडल पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल, ये सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि मुझे सब पता है, मैं 100% राइट हूँ, मैं किसी अपने आप को पूरा ग्लोबली अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी यहाँ पे बातें करूंगा वो सिर्फ मुझे लगता है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। अगर कोई एक बिगिनर है वो टेक्निकल एनालिसिस में या शेयर मार्केट में आ रहा है तो उसको पता ही नहीं है क्या क्या करना चाहिए। कोई मार्केट में आता है शुरू कर देता है मूविंग एवरेज के बारे में देखना, कोई आ जाता है इंडिकेटर्स एमएसडी के बारे में देखना, कोई डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लग जाता है। मतलब लोगों को सीढ़ी नहीं पता है स्टेप वाइज कि भाई कैसे चला जाए इस मार्केट में। ठीक है, जैसे आप किसी भी छोटे बच्चे को नर्सरी क्लास में आप डालते हैं, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं? नहीं ना, उसको पहले नंबर सिखाते हैं 1, 2, 3, 400 तक, फिर उसको धीरे धीरे एडिशन सिखाया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, फिर डिवाइड, फिर उसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर था, फिर मेंशुरेशन चैप्टर, फिर जाके ऐसे लेवल्स होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसमें लोगों की गलती नहीं है, हमारे इस फील्ड में क्या है, लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ मेंटोर्स की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जितना मैंने एक्सपीरियंस लेके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज निकाला जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एक इतनी गहरी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप उसको सीखने लग जाए आप रुक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस पता किया, टेक्निकल एनालिसिस आपने उसके बारे में देखा, आप क्या करेंगे? आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, MT4, ME ब्रोकर या किसी ब्रोकर का चार्ट वगैरह आप खोलेंगे। उधर आप क्या करेंगे, हमेशा नोटिस करिएगा, अभी चैनल चैप्टर शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा आज का चैप्टर 1 है। ठीक है, टॉपिक बताऊंगा आज के चैप्टर का क्या है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए आपको सामने खाली दिखेगा, खाली क्या दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा कैंडल्स। कैंडल्स मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, कैंडल्स आपको दिखेंगे ना, उसमें कोई इंडिकेटर्स लगे होंगे ना, बाय डिफॉल्ट कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस बना होगा ना, कोई ट्रेंड लाइन बना होगा, ये आपको बनाना होता है। लेकिन आप कभी सोचने की कोशिश की है किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा क्यों होता है, सिर्फ कैंडल्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो बेसिक स्टार्ट होता है, लोगों को पहले कैंडल स्टिक पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई सपोर्ट बनाया है या रेसिस्टेंस बनाया है, उसमें कैंडल्स कैसे काम करते हैं, कैंडल्स के कैसे पैटर्न बनते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि हमें बाय करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए या सेल करना चाहिए।
समझ रहे हैं आप, एक बेसिक होता है। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये आप जब तक नहीं समझेंगे, आप जितना भी बेहतरीन सपोर्ट रेसिस्टेंस बना लीजिए, आपकी मैक्सिमम एंट्रीज गलत रहेंगी, क्योंकि कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि इधर ये सपोर्ट पे हमें बाय करना सही है, या फिर ये सपोर्ट पे हम बाय करेंगे तो हम फंस जाएंगे, सपोर्ट टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो समझिए एकदम आराम से, पेशेंस। मैंने कल भी बोला था कि भाई मैं किसी भी वीडियो को 30, 40, 50 मिनट का बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ये जो टॉपिक होने वाला है ये मैं चाहता हूँ एक मिनट पहले भी अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस भी बोला हो ना, वो आए तो ये वीडियो को समझे, वो आराम से चले। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मैं नहीं, हड़बड़ी में मैं नहीं हूं भाई, और अगर किसी को टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न पता है तो यू आर वेलकम टू स्किप द वीडियो, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप सोच रहे हैं मैंने टोपी क्यों पहना है, तो भाई मेरे बाल सफाचट हो चुके हैं इसलिए मैंने पहना हुआ है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने यहाँ पे स्क्रीन भी खोला हुआ है, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न नॉर्मली क्या होता है, उससे पहले आप समझ लीजिए एक, ये अगर आप शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, तो शेयर बाजार के दो जानवर होते हैं, बुल बियर। बुल बियर, बुल मतलब सांड, वो होता है ना, बुल सांड होता है, बियर मतलब भालू। अब बुल का मतलब होता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश बोलते हैं, बुलिश मार्केट है, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको बेरिश बोलते हैं, बेरिश मार्केट है, क्योंकि जब सांड दौड़ता है ना तो गुस्से में अपने सिंग से किसी को भी उड़ाता है और इंसान ऊपर उछल जाता है, तो बुलिश। और बेरिश मतलब किसी भालू को अगर जल्दी भागना हो या फिर पहाड़ों से उसको उतरना हो तो गुलटी खा के उतरता है, मतलब क्रैश मारता है वो, तो बेरिश मार्केट होता है। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं सबसे आगे जाके, पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट लगा लेता हूँ, नहीं कि चार्ट लगाऊंगा, क्रूड ऑयल का, ठीक है? मैं क्रूड में ट्रेड करता हूँ ज्यादातर, ये आपको पता होगा, तो मैं क्रूड का चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए ये जो भी चीज मैंने सीखा है ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा है, ये बहुत आराम से एक्सपीरियंस ले लेके सीखा है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट भी तो आप देख रहे होंगे जो चार्ट खुला है इधर, सिर्फ मेरे पास कैंडल्स अवेलेबल है, ना कोई मूविंग एवरेज, ना एमएसडी, ना आरएसआई, ना इचिमोको, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नेकेड चार्ट उठा के मुझे दे दिया, investing.com का वेबसाइट है। अब बताते हैं कैंडल स्टिक जो होते हैं, कैंडल को स्टिक क्यों बोलते हैं? मोमबत्ती, देखा है मोमबत्ती जो अंधेरे में जलाया जाता है, इसको कैंडल समझिए, और ये लंबा होता है छोटा होता है तो इसको स्टिक बोला जाता है, सिंपल, कोई इसमें बड़ा ड्रामा नहीं है, कैंडल स्टिक्स, ठीक है? यहाँ पे जितने भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं सब कैंडल स्टिक्स इनको बोलते हैं। अब जो होता है कैंडल स्टिक, जो मैंने अभी बोला ना बुल और बियर, इसका कलर आप लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये बुल कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर भागा है, भागा 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 ग्रीन कलर से। अगर कोई कैंडल रेड है, मैंने यहाँ पे कलर सेट किया है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और जो रेड कलर से है ना वो बेयरिश कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे क्रैश मारा है, ठीक है? तो दो कलर से कैंडल आपको दिख रहे हैं, जो ग्रीन है मार्केट नीचे से ऊपर गया है, जो रेड है मार्केट ऊपर से नीचे आया, सिंपल, इतनी चीज समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, कैंडल स्टिक जो होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इससे पहले मैं बता दूं, मार्केट में टाइम फ्रेम, चार्ट, चार्ट के अंदर एक टाइम फ्रेम नाम की चीज होती है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइम फ्रेम एक अलग ही टॉपिक होता है, टाइम फ्रेम मतलब आप एक टाइम फ्रेम, आप छोटे थे 4, 5 क्लास में, 6 क्लास में, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, आप, आपको बोला जाता था ग्राफ बनाओ, कौन सी कंपनी की ग्रोथ कैसी थी, याद है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक लाइन खींचते थे, यहाँ पे हम लिखते थे, यहाँ पे ईयर लिखते थे, यहाँ पे उसका ग्रोथ ऑफ इनकम लिखते थे, ग्राफ बनता था, याद होगा आपको। तो टाइम फ्रेम नाम का उसी चीज का होता है। अब आपको याद होगा उसमें उसमें बोलते थे हमारे टीचर्स, 1 ईयर के टाइम में बनाओ, 1 मंथ के गैप में उसकी ग्रोथ दिखाओ, 15 डेज के गैप में उसकी ग्रोथ दिखाओ, सेम इसी में भी होता है। इसमें भी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर, सब तरह के इसमें टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो जो कैंडल्स होते हैं, अगर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल स्टिक लगाया है तो 1 घंटे में एक कैंडल बनता है। अब वो कैंडल जब चल रहा है, मार्केट अगर चालू है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मार्केट नीचे ऊपर होता है, वो कैंडल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर नीचे करता रहेगा। तो जो कैंडल स्टिक होते हैं ना वो डिनोट करते हैं ये, वो उस टाइम फ्रेम पे जब वो कैंडल पे मार्केट चल रहा था तो बायर्स ने उसको कंट्रोल किया या सेलर्स ने कंट्रोल किया, ये कैंडल स्टिक बताता है। अगर वो ग्रीन होके बंद हुआ है तो बायर्स ने उस कैंडल को अपने वश में लिया था, अगर वो रेड होके बंद होता है तो सेलर्स ने उसको अपने वश में लेके बंद हुआ था उस टाइम पे। ये होता है कैंडल स्टिक, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ही चीज बताता है कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक के अंदर क्या क्या होता है, देखिए नॉर्मली कोई भी कैंडल, एक मान लीजिए आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल खोला, ठीक है?
अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 5 मिनट तक फेरेगा, दूसरा कैंडल आया, ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल के अंदर क्या क्या होता है? एक कैंडल खोला, मैं पेंट खोल लेता हूँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए। कोई भी कैंडल का क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कैंडल खुलेगा, ठीक है? तो कैंडल खुलेगा तो उसमें चार चीजें होंगी, उसका हाई, मतलब वो कैंडल जब मार्केट चल रहा था उस टाइम में मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, और उसकी बॉडी कितनी बड़ी, मतलब वो मार्केट खुला कहाँ पे, बंद कहाँ पे हुआ, ठीक है? हो सके वो जहां पे खोला था वहीं पे बंद हो जाए, या फिर जितना उसने लो बनाया वहां पे बंद हो जाए, या फिर जिसने जहां पे वो ओपन हुआ वही उसका लो रहे कि मार्केट ऊपर आ जाए। मतलब कैंडल में चार चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। मतलब एक कैंडल खुला, उसका कोई ना कोई ओपन प्राइस होगा, किस प्राइस पे वो कैंडल खुला था, किस प्राइस पे वो बंद हुआ, उस कैंडल पे सबसे ऊंचा रेट कहां तक गया था, उस कैंडल में सबसे नीचा रेट कहां तक आया था। चार चीजें होती हैं, ये चार चीजें आपको देखनी होती हैं, ठीक है? और भी ये होती हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। कैंडल में होता है विक नाम का एक चीज होता है, बॉडी नाम का एक चीज होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक कैंडल यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूं अगर, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, ठीक है? इसका जो ये पतला पार्ट है ना, ये विक बोलते हैं इसको, और ये जो पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं। अब मैं एक चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेते हैं, चलो थोड़ा जूम करके एकदम से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? चलो, अगर ये मेरे पेंसिल को देखिए, ये कैंडल को अगर आप देखते, अब एक और बात, अगर कोई कैंडल रेड हुआ है, मतलब बेरिश होके बंद हुआ है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए ये कैंडल यहां पे खुला था, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ओपन और क्लोज कैसे डिसाइड करते हैं? जो बॉडी होता है वो उसका ओपन और क्लोज होता है। मैंने बॉडी क्या होता है वो बताया ही नहीं, सुनिए। ये पूरा जो है ये इसका, ये कैंडल है एक, और इसका जो बीच का मोटा पार्ट है ना, ये पूरी की पूरी बॉडी है। मतलब मार्केट जहां पे खुला और जहां पे बंद हुआ, वो पूरे पार्ट को अगर हम देखते हैं, वो एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है, ठीक है? वो उसकी बॉडी हो जाती है। और यहाँ पे इसका जो टॉप पार्ट होता है ये होता है हेड, या फिर इसको आप हाई बोल लीजिए, या जो लो पार्ट होता है वो होता है लो, या फिर आप उसको टेल बोल लीजिए, ठीक है? अगर मार्केट रेड हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आया है, तभी तो वो रेड है, हाई से लेके लो तक आया, मतलब ऊपर ओपन हुआ होगा, नीचे क्लोज हुआ, तभी तो मार्केट नीचे आया। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो वो नीचे खुला होगा, ऊपर बंद हुआ, मतलब वो ग्रीन होके बंद होगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे, ये कैंडल पे अगर आप फोकस करते हैं, ये जो नीचे का ये पार्ट है टेल, वो है लो, ये जो ऊपर का पार्ट है ये है हाई, और जो इसका बीच का मोटा पार्ट है वो है इसका बॉडी। बॉडी ये ग्रीन कलर में है, मतलब नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा, तभी तो मार्केट ऊपर गया, समझ में आया? मार्केट ऊपर से नीचे आया वो लाल हो जाएगा, ऊपर ओपन, नीचे क्लोज, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसमें बॉडी और वीक क्या होता है, इस पर फोकस करिए। जो ये पतले पार्ट्स होते हैं ना, ये पतले पतले जो पार्ट्स होते हैं ऊपर नीचे के, इनको कहते हैं वीक, और जो बीच का मोटा पार्ट होता है वो होता है बॉडी, ठीक है? आराम से अब इतनी चीजों को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, कैंडल स्टिक क्या काम करता है? कोई भी कैंडल में बायर्स ने कंट्रोल किया या सेलर्स ने कंट्रोल किया उस टाइम पे उस मार्केट को, वो डिसाइड कराता है। अगर मार्केट बुलिश होकर बंद किया तो बायर्स ने कंट्रोल किया था, मार्केट नीचे जाके बंद हुआ तो सेलर्स ने कंट्रोल किया था। और कैंडल में क्या होता है, मार्केट कैंडल आया, उसका कुछ ना कुछ ओपन प्राइस होगा, कहीं ना कहीं वो बंद होगा उसका क्लोजिंग प्राइस, उस पूरे मोमेंट में कुछ ना कुछ सबसे मैक्सिमम प्राइस जो गया था उसको हाई बोलेंगे, उस मोमेंट में सबसे नीचे जहां तक आया था उसको लो बोलेंगे, ठीक है? और जो कैंडल जो होता है उसमें होता है बॉडी, जो कि ओपन और क्लोज का हिस्सा होता है उसको बॉडी बोलते हैं। बाकी जो बचा खुचा होता है हेड के ऊपर वाला और टेल के नीचे वाला, जो पतले से स्ट्रिप होते हैं उसको विक बोलते हैं। इस पर आपको फोकस करना, रिविजन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कैंडल्स कई तरह के से बन सकते हैं। मार्केट खुला, ऊपर भाग गया, इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना भाई, वो तो बुलिश कैंडल हो गया। हो सके मार्केट यहीं पे खुला, मूवमेंट ही नहीं हुई, यहीं पे बंद हो गया, इस तरह का पैटर्न बन सकता है। मार्केट खुला, कैंडल बना, इतना ऊपर गया, फिर यहीं पे आके क्लोज हो गया, एक नया पैटर्न हो सकता है। कैंडल यहाँ खुला, इतना नीचे आया, यहाँ आया, यहीं पे बंद हो गया। कैंडल इतना नीचे आया, यहाँ पे आके बंद हो गया। मतलब अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कैंडल। अब ये हर मोमेंट जो कैंडल के होते हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली कीनली उनको ऑब्जर्व करना होता है। अब इसको डिवाइड किया हुआ है कैंडल पैटर्न्स को,
मैं आपको बताता हूँ आगे। पैटर्न्स होते हैं इसके लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने इधर 7 टाइप्स डाले हैं। जहां तक मुझे लगता है इसके और भी बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए पर्सनली मैं जो जो यूज करता हूँ अभी सिर्फ इतने ही पैटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स। मतलब कैंडल खुला, वो किस स्टाइल से बंद हुआ है, उसका कैसा शेप हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। बहुत लोग बोल रहे हैं ये क्या बोल रहा है, कैंडल स्टिक के बारे में क्यों बता रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये कैंडल स्टिक के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे ना, आप धरती का जितना भी बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख लीजिए, जितना भी खूबसूरत ट्रेंड लाइन बनाना सीख लीजिए, कैंडल के पैटर्न से डिसाइड करेंगे आपको कि आपको बाय या सेल लेना है नहीं लेना, डिसाइड आपको कैंडल स्टिक ही करवाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के में लेते हैं लोग इसको। शुरू करते हैं आगे। नंबर वन, आप यहाँ पे देखिए क्या है, इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। इनगल्फिंग अगर आप गूगल पे शायद सर्च करेंगे तो मुझे पता है गूगल में कोई मीनिंग होगा। इनगल्फिंग मतलब क्या होता है, पुरानी चीज को कोई नई चीज से छुपा देना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कैंडल बना ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कैंडल बना, इसके बाद एक कैंडल दूसरा आया। अब ये कैंडल इससे बड़ा है, अगर ये कैंडल यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इतना ऊपर आके बंद हो गया, ये कैंडल ने इस कैंडल को छुपा दिया, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये इतना बड़ा है या फिर इतना बराबर का है कि इसने छुपा दिया, इसको इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। ये क्या हो गया, इनगल्फिंग। पिछले कैंडल को नया कैंडल ने अगर छुपा दिया या फिर बराबर हो गया या फिर छुपाना चाहिए जैसे भी करके, वो हो जाता है इनगल्फिंग पैटर्न। मैं आपको इधर दिखाता हूँ स्क्रीन पे कैसे डिसाइड करेंगे इनगल्फिंग पैटर्न को। ओके, हाँ, अगर आप, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार अच्छे से ताकि आपको दिखाई दे। देखिए पेंट में समझाता हूँ आपको, देखिए ये पेंसिल है यहाँ पे, ये एक कैंडल है बेयरिश, मार्केट ऊपर से नीचे आके बंद हो गया। जब नया कैंडल बना यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस सेम थी, ठीक है, जहां पे रेड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, जहां पे रेड कैंडल क्लोज हुआ, सॉरी क्लोज, जहां पे रेड कैंडल ओपन हुआ और जहां पे रेड कैंडल क्लोज हुआ उसके नीचे में जो है ये ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ और ये ऊपर जाके बंद हो गया। मतलब ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को छुपा दिया और ये जो बाकी के पतले पार्ट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। तो ये हो जाता है इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अब जैसे और भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इधर, ओके, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये जो रेड कैंडल है ये ऊपर से नीचे आके बंद हुआ है, इसके बाजू में ये कैंडल नया ग्रीन कलर का खड़ा हुआ ओपन हुआ वो एकदम से ऊपर चला गया, तो पीछे वाला जो कैंडल है वो छुप गया और नया कैंडल ने उसको पूरा छुपा दिया। ये हो जाता है इनगल्फिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न समझ में आया, रिविजन कर लेते हैं। प्रीवियस कैंडल से अगर कोई आगे वाला कैंडल बराबर का या उससे बड़ा ओपन होके क्लोज हो जाता है तो वो हो जाता है इनगल्फिंग पैटर्न, पूरा का पूरा छुपा हुआ होना चाहिए। ओके, नंबर टू होता है हैमर पैटर्न। हैमर, हथौड़ी, सुना है आपने, कील जो ठोकते हो दीवार में, कैसा होता है, पतला सा डंडा होता है, ऊपर हेड होता है, नीचे कुछ नहीं, डंडा हेड हैमर, क्लियर। अब हैमर का क्या होता है, कोई भी ऐसा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है ये हैमर की तरह बना हुआ है, हैमर की तरह के हैमर है, इसका ये बुलिश कैंडल बन के क्लोज हुआ है, मतलब ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है, तब मार्केट ऊपर गया तभी तो वो ग्रीन हुआ। इसका ये जो पार्ट है ये ओपन है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बॉडी का वो है क्लोज और बाकी हेड और टेल और वीक है। लेकिन ये जो नीचे का वीक है ये कैसे बना होगा, यूं ही तो नहीं बना होगा ना, मार्केट जब ओपन हुआ तो ये इतना नीचे आया था पहले, मतलब पहले इस कैंडल को सेलर्स ने कंट्रोल किया था, जो मार्केट में सेलर्स होते हैं वो उनके वश में था, वो पूरा नीचे आया मार्केट, इतना बड़ा कैंडल है तो मार्केट पूरा नीचे आया, सेलर्स के बस में नहीं रहा, वो बायर्स आ गए, बायर्स ने बोला कि नहीं भाई मैं तुम्हें ऊपर ढकेलूंगा, फिर बायर्स आ गए, फाइनली जब कैंडल क्लोज हुआ तो बायर्स के वश में था वो कैंडल, तो बायर्स ने उस कैंडल को कंट्रोल किया, फाइनली क्या हुआ, जो ओपन प्राइस था मार्केट इतना नीचे आया इन क्लोजिंग टाइम, इतना इसने इतना हेड बना दिया, मतलब बॉडी बना दी इतनी सी, ओपन क्लोज मतलब बॉडी इतनी बनाई, हैमर की तरह दिखेगा, आप स्क्रीन पे देखिए ये हैमर की तरह दिखेगा, इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। इसमें क्या हुआ है, पहले तो आए थे सेलर्स, सेलर्स आए थे जोश में, बायर्स ने उनकी छुट्टी कर दी, मतलब सेलिंग प्राइस वहां पे रिजेक्ट हुआ है, ध्यान रखना, सेलर्स वहां पे, सेलर्स का
सारा का सारा चीज रिजेक्ट हुआ है, बायर्स ने जीत हासिल की है। समझ में आया? किसी भी कैंडल में अगर सेलर्स का प्रेशर रिजेक्ट होके, सेलिंग प्राइसेस रिजेक्ट होके बायर्स प्राइस जीत जाते हैं, तो वो हैमर का पैटर्न फॉर्म करते हैं। और हैमर में बॉडी होता है, बॉडी होता है बाइंग के बॉडी में, क्या बोलते हैं उसको, बुलिश बॉडी में। ठीक है, अब एक हैमर है, ये एक हैमर है, आपने पकड़ा है, इसका हेड है ये हैमर, इसको उल्टा कर दीजिए, हेड नीचे आ गया, डंडा ऊपर आ गया, ये हो गया उल्टा, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। हैमर का उल्टा होता है शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार क्या होता है, वो रहता तो आसमान में ही है, लास्ट में नीचे गिरता है ना। अब गिर रहा तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। हैमर के सीधा उल्टा को शूटिंग स्टार बोलते हैं। वो कैसे, पहले मैं यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढू, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ओके यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके 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 चलिए। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, ये जो है ये शूटिंग स्टार है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, हैमर हो गया, अब शूटिंग स्टार की बात हो रही है। शूटिंग स्टार में आप देखिए ये मार्केट ऊपर से नीचे क्लोज हुआ है, तो बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, सॉरी ये ओपन है, ये जो है ये क्लोज है, ये लो है ये हाई है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट जो ये वीक है, जो यहाँ पे वीक बना हुआ है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कैसे बना, यूं ही तो नहीं बना होगा। जब ये कैंडल बना तो यहाँ पे बायर्स अपना राज चला रहे थे, मार्केट ऊपर भाग रहा था, ऊपर भाग रहा था। लेकिन जब सेलर्स आए, सेलर्स ने क्या किया, बायर्स को पूरा दबा दिया, न्यूट्रल नहीं किया, और न्यूट्रल के बाद उनको और नीचे दबा दिया। तो क्या हो गया, जैसे हथौड़ी इन्होंने, बायर्स ने ऊपर ढकेल के जीत हासिल की थी, सेलर्स ने नीचे ढकेल के इनको हैमर शूटिंग स्टार बना दिया। तो हैमर में बायर्स जीतते हैं, शूटिंग स्टार में सेलर्स जीतते हैं। तो शूटिंग स्टार मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा वीक ऊपर रहेगा, बॉडी नीचे रहेगी, और जो कैंडल क्लोज होगी वो सेलिंग में क्लोज होगी, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। इसमें क्या होता है, बायर्स जितने भी रिक्वेस्ट करते हैं मार्केट को ऊपर ढकेलने का, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि बायर्स यू आर नॉट अलाउड, मार्केट अभी भी डाउन जाना चाहिए। ये होता है शूटिंग स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न, एक कैंडल को आगे वाले कैंडल बराबर कर दे या उसको छुपा दे बड़ा करके। हैमर, बायर्स की जीत, मतलब सेलर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। शूटिंग स्टार मतलब सेलर्स की जीत, बायर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रे स्टोन डोजी। एक डोजी नाम का कैंडल होता है। डोजी में देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी में एक सिंपल सा बात बताता हूँ। जो हैमर होता है ना, उसमें क्या होता है, बायर्स मतलब हैमर जो होता है उसमें जो ओपनिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस कैंडल की ऊपर होती है, मतलब सेलर्स रिजेक्ट होके मार्केट ऊपर भाग जाता है। ठीक है, ये हैमर हो जाता है, लेकिन इसमें बॉडी होती है। अगर उसमें कोई बॉडी ही नहीं होती, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम होती ना, तो वो डोजी बन जाता है। मतलब एक ऐसा हैमर जिसमें बॉडी ही नहीं है, उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ऐसा कोई शूटिंग स्टार जिसमें बॉडी ही नहीं है, उसको हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। मतलब एक और क्लियर कर देता हूं आपको, डोजी का पैटर्न दिखा के, मुझे शायद 5 मिनट में मिल जाए ये डोजी वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ ढूंढ के। डोजी 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 मिल जाए। ओके 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 वेट 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 वेट, 1 मिनट में देखना पड़ेगा लग रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, डोजी दिखाता हूँ, चलिए ढूंढना पड़ेगा। मिल नहीं रहा है, ठीक है, इंटरनेट से, गूगल से मैं आपको दिखा देता हूँ डोजी कैसा होता है। ठीक है, गूगल पे लिख देते हैं, अब ढूंढूंगा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पहले क्या होता है, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपको मैंने क्या बताया था, हैमर क्या होता है, नीचे से ऊपर गया, उसकी एक बॉडी बनी। लेकिन अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी देखेंगे, क्या हुआ, मार्केट पूरा क्रैश मारा, लेकिन सेलर्स रिजेक्ट होके फिर मार्केट ऊपर आ गया, तो उसकी जो बॉडी बननी चाहिए थी, बॉडी तो तब बनती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कुछ डिफरेंस होता, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम है तो इसमें बॉडी ही नहीं है। ये हो गया डोजी, सिंपल। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब उल्टा, ड्रैगन फ्लाई मतलब शूटिंग स्टार, ऐसा शूटिंग स्टार जिसमें बॉडी ही नहीं है। मतलब बॉडी कैसे नहीं होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम है तो उसमें बॉडी कैसे बनेगी, बॉडी तब बनेगी ना, ओपन क्लोज
या फिर ओपन क्लोज कुछ गैप हो, बॉडी तब बनेगी ना, उसको बॉडी बोलेंगे। ओपन क्लोज अगर सेम है, बॉडी इज फ्लैट, वो हो गया डोजी। सिंपल, इसका अपना अपना फंक्शन है। जैसे एक डोजी का मतलब क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, एक हैमर ऐसा डोजी है जिसमें बायर्स जो है सॉरी सेलर जो है रिजेक्ट होके बायर्स ने जीत हासिल की। मतलब ये कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि बुलिश ट्रेंड ही रहने वाला है। मार्केट गिर तो गया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो फाइनली नीचे ही आ रहा है। तो क्या डिनोट कर रहा है कि भाई बायर्स टिक नहीं पा रहे हैं, मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए। ये सब समझिएगा आगे आने वाले वीडियो में। अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, तो आगे आने आने वाली मेरी कोई भी सीरीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो बना तो लेंगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तगड़ा सा, लेकिन उसमें आपकी इतनी गलत एंट्रीज होंगी आप हैरान होंगे। मोहित ने जो सिखाया मैं तो वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पे ध्यान नहीं दिया। समझ में आया? तो डोजी का मतलब सिंपल ऐसा होता है जिसमें बॉडी नहीं होता। और मैं एक ही चीज को 10 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे संतुष्टि चाहिए कि भाई मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के। वो नेक्स्ट टॉपिक पे कवर होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब तक मैं आपको बता दूं कैसा प्राइस रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसमें कैसे किया था, मैं investing.com तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं MT4 यूज करता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ओके, मान लो कहाँ से खींचते हैं यार इसमें, चलो मैं अपने सॉफ्टवेयर पे समझा देता हूँ आपको। खुल रहा है, अच्छा ये बाजू में ही तो है। ओके हाँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, खोलने दीजिए, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ थोड़ा, इसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके चलो। यहाँ पे अगर मैं कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस खींचता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा सपोर्ट खींचा, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैंडल, एक प्लेन कैंडल खोल लेते हैं, रुको, एनर्जी में गए, क्रूड खोला, देखो इधर कैंडल कैंडल है सिर्फ, दिख रहा है आपको? ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कैंडल बना देते हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस खींच देता हूँ, ठीक है ना। लोग क्या सोचते हैं, मैं बता तो कैंडल स्टिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या सोचते हैं, सपोर्ट कोई है उसको ब्रेक कर दिया तो सेल करना है, रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करा तो उधर बाय करना है। यही तो गलती है, यहीं पे तो कैंडल स्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे, देखो अगर मैंने यहाँ पे खींचा, एग्जाम्पल ले लो, कहीं बढ़िया सा मिले ना, ज्यादा टचेस जिसमें हो, ठीक है। ओके, तो ये अगर आप ये रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस भी किया लेकिन यहाँ रिजेक्ट हो गया। सेलर्स जो है सपोर्ट के नीचे टिक नहीं पा रहे हैं, तो अगले कैंडल में मार्केट ऊपर भागा, देख रहे हैं आप। इधर फिर बायर्स ऊपर आ गए, फिर इस कैंडल में जहां पे खुला, यहाँ पे देखो इतना हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी सेलर्स नहीं टिक पा। आप देखिए सपोर्ट के नीचे मार्केट आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, वो रिजेक्ट हो जा रहा है। इसीलिए कैंडलस्टिक का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट के नीचे वो कब टिकेगा। देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी सपोर्ट के नीचे, फिर वो देखो गिरा है, लेकिन इससे पहले हम सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि मार्केट को टिकना पड़ता है वहां पे। और कब हमें सेल लेना है, कैसे सेल लेना है, ये सब कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? चलो ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सा आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में ये समझ लीजिए कि सूर्य सन जो है उसको राइज करना है, और इवनिंग स्टार में समझ लीजिए सन को जो है क्या बोलते हैं उसको, सनसेट होना है। एक सिंपल से यहाँ पे एक पेंट पे आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पेंट खोलता हूँ, कोई भी ऐसा कैंडल, तीन कैंडल्स जो ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है, ये तीन कैंडल से बने हुए हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडल है जो, अच्छा रुको क्लीन कर देते हैं इसको, ओके रेड होके। मान लो कोई ऐसा कैंडल है जो खूब नीचे आके रेड होके बंद हो रहा है, ठीक है, नीचे आके बंद हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कैंडल बन गया, छोटा सा बीच में कैंडल बन गया, ठीक है, ऐसे एक कैंडल बन गया छोटा सा। फिर जो है जो तीसरा कैंडल है वो खड़ा हो गया, मतलब ऊपर आ गया, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तीन कैंडल के पैटर्न को, हो सके ये बीच वाला डोजी हो, हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, ग्रेस्टोन डोजी हो, कोई भी बीच वाला कोई भी, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। कोई भी मार्केट नीचे गया, बीच में छोटा सा कैंडल बना, तीसरा कैंडल राइज हो गया,
मॉर्निंग, सुबह में सनराइज होता है तो मॉर्निंग स्टार हो गया, यही उल्टा हो गया तो इवनिंग स्टार। अगर कोई भी कैंडल पहले ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाई बना रहा है, हाई बना रहा है, हाई बना रहा है, ऐसे 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 बना रहा है, ठीक है, फिर जो दूसरा कैंडल है वो बीच में से छोटा सा बन गया, ऐसे छोटा सा बन गया, ठीक है, लेकिन जो तीसरा कैंडल है वो यहां से गिर गया, मतलब सनसेट हो गया, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतनी चीज आप समझ गए ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होता है, ये इतने कैंडल्स में, माउस को क्या हो गया, इतने कैंडल्स को मैं यूज करता हूँ, और ये जो है ये मेरा सिस्टम है, इसको मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, इसको मैंने बहुत सारी चीजों में यूज किया है, आई मीन क्रूड में यूज करता हूँ फिलहाल, तो वो कैमरा ऑफ हो गया था तो मुझे फिर से ऑन करना पड़ा, तो मैं जो है बहुत आराम से सिखाना चाहता हूँ। अभी जो है मैंने ये जो भी टॉपिक्स कवर किए इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या डिसाइड करता है कि उस कैंडल में बायर्स ने कंट्रोल किया या सेलर्स को कंट्रोल किया, किसी भी कैंडल का क्या बॉडी में क्या क्या होता है, पूरे कैंडल में हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, बॉडी किसको बोलते हैं, ओपन और क्लोज के डिफरेंस को बॉडी बोलते हैं, बाकी जो बचे खुचे होते हैं उसको विक बोलते हैं। एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, एक ऐसा कैंडल जिसके आगे एक और कैंडल आया उसने पीछे वाले को छुपा दिया। हैमर मतलब जिसमें सेलर्स की जो पावर होती है वो रिजेक्ट होकर बायर्स जीत हासिल कर लेते हैं। शूटिंग स्टार मतलब उसका उल्टा, मतलब मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है लेकिन फाइनली सेलर्स ने जीत हासिल की और ओपनिंग प्राइस के नीचे में कैंडल को क्लोज दिया। ड्रैगन फ्लाई मतलब क्या होता है, एक ऐसा हैमर जिसके अंदर बॉडी ही नहीं है, बॉडी कैसे नहीं होगी, ओपन और क्लोज सेम है तो वो डोजी हो गया, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी। उल्टा डोजी मतलब ग्रेवस्टोन डोजी। और कैंडल स्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बताया ना, किसी भी सपोर्ट के नीचे प्राइस को सस्टेन होना चाहिए, प्राइस रिजेक्ट होगा तो सपोर्ट के नीचे नहीं गिरेगा, वो रेसिस्टेंस के ऊपर गया, वो बायर्स नहीं सस्टेन कर पाए, बायर्स को बार बार धकेला जा रहा है नीचे, रेसिस्टेंस को काट दे के फिर नीचे आने के बाद ये नहीं होता कि प्राइस भाग जाएगा, उसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार मतलब पहले मार्केट नीचे आया, फिर छोटा सा कोई कैंडल बना, फिर मार्केट राइज कर गया, उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार उसका उल्टा, ठीक है। चलो मैं आगे आपको कोई चीज बता देता हूँ। कैंडल स्टिक का चैप्टर जो है ये बेसिक चैप्टर था, यहाँ पे ये खत्म हो गया है। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कतें हो मेरे समझाने के तरीके में तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा, और मैं अंदर से चाहता हूँ कि आपको समझ में आए हर चीज, ठीक है। इसके बाद जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर, मैं फॉलो के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूँ ट्रेड से रिलेटेड, कभी कभी कोई ट्रेड की कॉल्स आती हैं वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे आप अपडेटेड रहेंगे कि मेरी कब वीडियो क्या आने वाली है, मैं आगे वीडियो जो बनाने वाला हूँ उससे रिलेटेड मुझे आप लोगों की सजेशन चाहिए होती हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रहे आपका सजेशन लेना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां पे मुझे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और सेफ ट्रेडिंग अंडरस्कोर मोहित है मेरा इंस्टा आईडी। और टेलीग्राम का मैंने दो ग्रुप बनाया है, एक मैंने इक्विटी का ग्रुप बनाया है, एक मैंने कमोडिटी का ग्रुप बनाया है जो कि फ्री है फिलहाल, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक और ट्विटर भी है मेरा, वहां पे भी आप फॉलो करके रखिए, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड जितना मैं कनेक्टेड आपके साथ रहना चाहता हूँ आप भी मेरे साथ उतनी कनेक्टेड रहिए, ताकि ये एक साइकिल चलता रहे, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ आप भी मेरे लिए काम करेंगे, कहीं ना कहीं एक हेल्प चलेगा एक दूसरे के लिए, समझ रहे हैं आप। और ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए बिगिनर्स के साथ, ठीक है ना, क्या जा रहा है, दिखाइए उनको भी कि भाई ऐसा सीख, और ऐसी चीजें लोग सिखाने के पैसे लेते हैं, मैं भी एक जमाने में लेता था, लेकिन आज जो है मैं चाह रहा हूँ लोगों को इसका इसका जानकारी हो, ठीक है, और इसके कोई पैसे नहीं, मैं 1 घंटा टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटा नहीं लगता तो 3 घंटा है क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगती है, ठीक है, बट इट्स ओके, मैं चाह रहा हूँ इसका कोई रिजल्ट निकले आगे आगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो के थ्रू एक अपनी किसी स्ट्रेटेजी बनाए जो मार्केट में और बेहतर हो, क्या मतलब मेरे से और बेहतरीन हो, वो इतनी बेस्ट हो कि शायद जो कि इम्पॉसिबल है, जिसके स्टॉप लॉस बहुत रेयरली लगे, समझ रहे हैं ना आप। तो बस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप सब फॉलो वॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नीचे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और या बाय बाय, टाटा, टेक केयर।